एशिया का सबसे बड़ा कांवड़ मेला कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो चुका है। हालांकि कई दिन पहले से शिव भक्तों का हरिद्वार से गंगा जल लेने आने का सिलसिला शुरू हो गया था, मगर श्रावण मास आज से शुरू हो चुका है। दरअसल सावन का ये महीना आराधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और श्रावण माह में भगवान शिव दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विराजते हैं और यहीं से पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु इस दौरान शयन में होते हैं। और इस वर्ष तो श्रावण मास 2 महीने का होने वाला है, क्योंकि इस मास में न भगवान नारायण पुरुषोत्तम मास भी पड़ रहा है और इसमें 8 सोमवार तक शिव भक्तों को भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनको प्रसन्न करने का अवसर प्राप्त होगा। और ये संयोग करीब 19 साल के बाद आया है और इसके बाद 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या का स्नान है, जिस पर अपने पितरों के निमित्त पूजा करने का विशेष लाभ होने वाला है। देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए अपने शिवालयों में गंगा जल चढ़ाने के लिए लेने के लिए हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को जल अर्पित कर उनको प्रसन्न कर मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना भक्त करते हैं। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो अगले वर्ष कांवड़ में जल ले जाकर भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। श्रावण मास के शुरू होने के साथ ही सावन का कांवड़ मेला भी शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में कांवड़िए देशभक्त शिव भक्त पूरे देश से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हर की पैड़ी पूरी तरह से कांवड़ियों से भरी हुई है। बड़ी संख्या में कांवड़िए देश भर से यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि वो गंगा जल यहाँ से लेकर जाएंगे और अपने अपने गंतव्यों में शिवालयों में जाकर भगवान शिव का इस गंगा जल से अभिषेक करेंगे। तो यहाँ बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचे हैं जो गंगा जल भर रहे हैं, कांवड़ अपनी अपनी तैयार कर रहे हैं और यहाँ से कांवड़ लेकर जय भोलेनाथ भोले भोले जय भोले शंकर की जयकारे लगाते हुए यहाँ से अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो रहे हैं। ये माना जाता है कि ये माह ऐसा माह है जिसमें भगवान शिव की आराधना का सबसे ज़्यादा फल मिलता है और भगवान शिव के बारे में ये माना जाता है कि इस सावन के महीने में भगवान शिव हरिद्वार में दक्षेश्वर महादेव में विराजते हैं, चूँकि भगवान विष्णु इस दौरान शयन में रहते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन किया जाता है। और इस दौरान जो भी भगवान शिव की पूजा या आराधना करता है उसकी मनोकामनाएं सारी पूरी होती हैं। और ये कांवड़िए कहीं ना कहीं अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए या उनकी कोई मनोकामना पूरी हुई है तो उस मनोकामना पूरी होने के उपलक्ष्य में कांवड़ में जल लेकर यहाँ से अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं और वहाँ जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे और उनके लिए भगवान शिव का धन्यवाद करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे और उनको प्रसन्न करेंगे। मोदित अग्रवाल, उत्तराखंड तक, हरिद्वार। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कहाँ से आए? सरोड़पुर से। कांवड़ लेके जा रहे हैं जी। क्या मन में कोई कामना है जिसको पूरी हुई है? मनोकामना पूरी हुई है। कितनी बार ले जा चुके हैं? पहली बार है जी। क्या कामना मांगी थी जो पूरी हुई? बच्चे नहीं हुए थे सर, लेट हुए थे, एक दो बच्चे खराब हो गए। इस बार बाबा से मनोकामना मांगी जब मेरे गोद भर जाए, जब मैं कांवड़ लेने आऊंगा बाबा। इतनी दूर लंबे पैदल चल के जाएंगे तो कोई मन में कोई डर ये कष्ट होगा? नहीं जी, हमें बाबा साथ रहेंगे, कोई डर वाली बात नहीं है। क्या नाम है? बोले विकास। कहाँ से आए हो? हरियाणा हिसार। कांवड़ लेके जा रहे हो, क्या है मन में, क्या कामना लेके जा रहे हो? बस यही दे है कि हमारे को सही सलामत कांवड़ हमारे को हरियाणा हिसार पहुँचानी है बस। कोई कामना मांगी थी जो? कामना तो बस पूरी हो रही है बस, सभी तो लेके जा रहे हैं कांवड़ इसकी यात्रा पूरी कर रहे हैं। 350 किलोमीटर है यहाँ से। कोई कष्ट नहीं होता? कोई कष्ट नहीं है, भोले की दया है, नो प्रॉब्लम नो टेंशन। क्या नाम है आपका? हरकेश। कहाँ से आए? रेवाड़ी। इतना लंबे सफर पूरा करेंगे कांवड़ लेके जा रहे हैं जी, कोई मन में कामना थी क्या? था नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कोई मन में कामना नहीं है? भगवान से मांगा है? हाँ, भगवान से पूरा हुआ है कुछ? अभी हुआ नहीं है, आधा है। कामना के लेके जा रहे हैं जी, कोई कष्ट नहीं होगा इतनी दूर लेके जाएंगे? बाबा है, बाबा कृपा रहेगी। आपका कहाँ से आए आप? कांवड़ लेके जा रहे हैं, क्या मन में कोई कामना थी जो पूरी हुई है या कामना है कोई? नहीं, बस ऐसे ही मन में इच्छा हो गई थी भोले बाबा के लिए कि थोड़ा परिवार और आम बस्ती में सभी सुख शांति से रहे, उसके लिए। कितना लंबा सफर है जो पूरा करना है? ये 550-550 किलोमीटर। कोई कष्ट नहीं होता है पैदल लेके जाएंगे? पहली बार जा रहे हैं, अब आगे भोले बाबा की मर्जी है। कांवड़ मेले को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। जिला प्रशासन के द्वारा कांवड़ मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 33 जोन और 153 सेक्टर में बांटकर अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। एयर पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी को भी तैनात कर दिया गया है। साथ ही सभी गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार में हर साल 2 बार कांवड़ मेला लगता है, मगर श्रावण मास का कांवड़ मेला हरिद्वार वासियों के लिए खास होता है। 12 दिन तक चलने वाले इस मेले के दौरान अरबों रुपए का कारोबार हरिद्वार के व्यापारी करते हैं।
करोड़ों कांवड़िया हरिद्वार पहुंचने से पूरी धर्मनगरी अब शिवमय हो जाती है और यहां का हर निवासी शिव की आराधना में डूब जाता है। यदि हरिद्वार से हमारे सहयोगी मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।